हमारी फोर्थ डेफिनेशन है व्हाट इज सफिशिएंट या सफिशिएंसी एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर थीटा कैप ऑफ पैरामीटर थीटा इज सेट टू बी सफिशिएंट एस्टिमेटर इफ इट कन्वर्स मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर कंटेन इन द सैंपल मीन, मीन्स की कंबाइंड मीन एंड अर्थमेटिक मीन विच इज मोर एफिशिएंट देन ए मीडियन एंड मोड। जो हमारा अर्थमेटिक मीन है मीन्स की जो एक्स बार है वो मोर एफिशिएंट है किससे, मीडियन से और मोड से, मीन्स की मीडियन को एम और मोड को जेड। जो हमारा एक्स बार है वो किससे पावरफुल है, मीडियन एंड मोड से। एन एस्टिमेटर थीटा कैप इज इक्वल टू फाइ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन ऑफ ए पैरामीटर थीटा इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। इसको सफिशिएंट एस्टिमेटर तब कहेंगे इफ एंड ओनली फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा कैप द कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज एक्स वन एक्स टू एक्स एन गिवन थीटा कैप इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मीन्स की इसमें क्या है, हमारे पास जो सैंपल वैल्यूज हैं वो गिवन होती हैं किसमें, थीटा कैप में, सॉरी सफिशिएंट एस्टिमेटर में क्या होती हैं, एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन, और जो सारे सैंपल्स हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सफिशिएंट एस्टिमेटर। फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज, इसका साइज क्या है, एन, फ्रॉम बर्नौली, बर्नौली हमने पीछे किया था, पीछे हमने कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में किया था बर्नौली पॉपुलेशन विद पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या होता है थीटा, सॉरी पी, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है एनपी, वेरियंस का एनपी क्यू, और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है वन के, मीन्स की पी प्लस क्यू इक्वल टू वन। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी की पावर एक्स वन माइनस पी की पावर वन माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स किसके इक्वल लेके चले हैं जीरो कोमा वन के, मीन्स की इसकी दो वैल्यूज हैं जीरो एंड वन, एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन। सो इसका फॉर्मूला क्या है, हमने हमेशा याद रखना है जो हमने थर्ड सेम में किया था प्रोबेबिलिटी में, टेकिंग थीटा कैप इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन देन थीटा कैप सिमिलर या अप्रोचिस ना सिमिलर टू पी बी ऑफ एन कॉमा पी, इसकी नोटेशन क्या होती है बी एन कॉमा पी, दैट इज थीटा कैप फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा थीटा कैप है वो किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसका पैरामीटर क्या होता है एन कॉमा पी, मीन्स की बर्नौली को किसके साथ डिनोट करते हैं हम, पैरामीटर पी के साथ, और बाइनोमियल को बी एन कॉमा पी, पीछे मैंने गलत बता दिया था इसको बर्नौली बोलते हैं, सॉरी इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की नोटेशन है बी एन कॉमा पी, और बर्नौली का पैरामीटर क्या होता है पी एंड क्यू, क्यू को यहाँ ज्यादातर लेते नहीं है क्योंकि पी प्लस क्यू किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी वन की इक्वल होती है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं वन माइनस पी, तो यहाँ पे p की पावर x और 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स हो जाता है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे p की पावर x q की पावर 1 माइनस एक्स, बट यहाँ पे ओनली एक पैरामीटर यूज हो रहा है वो क्या है p, और q भी किस में कन्वर्ट कर दिया, p में ही कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ बाइनोमियल में दो पैरामीटर यूज हो रहे हैं हमारे n एंड p। इसका पीडीएफ क्या होता है एन सी के पी की पावर के वन माइनस पी की पावर एन माइनस के, वेयर के की रेंज क्या है जीरो वन अप टू सो एन एन, दैट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं जीरो लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एन, जो किसकी रेंज है के की रेंज है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी गिवन
थीटा कैप इज, गिवन थीटा कैप इज पी ऑफ एक्स वन इंटरसेक्शन एक्स टू इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन एक्स एन, और जो यू होता है उसे हम बोलते हैं यूनियन, मीन्स की ऑल पूरे सैंपल, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन पार्ट, बाय थीटा कैप इज इक्वल टू के, के क्या था हमारा एनी कॉन्स्टेंट टर्म, और इसकी रेंज क्या थी जीरो टू एन. देन हमने स्मॉल क्लासेस प्लस टू में इसका फॉर्मूला क्या था, पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. सो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, इन दोनों की इंटरसेक्शन अपॉन जो पीछे वाला पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू के. नाउ इसका फॉर्मूला क्या था, पी की पावर के वन माइनस पी की पावर एन माइनस के. सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या है, ये इन दोनों का कॉमन पार्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन पार्ट क्या आएगा छोटे वाला के वाला हमारा कॉमन पार्ट आ गया, इसीलिए हमने p की पावर k वन माइनस पी की पावर n माइनस के लिया है, और नीचे हमारा पूरा आएगा मीन्स की एन सी के p की पावर k वन माइनस पी की पावर n माइनस के, जो हमारा कैंसिल होता है उसको कर दिया तो क्या बच गया, वन अपॉन एन सी के, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर थीटा पी. ये क्या हमारा इंडिपेंडेंट है पैरामीटर पी के साथ. इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि हमारा जो पी वाला पैरामीटर है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, मीन्स की कैंसिल हो गया. सो इसीलिए जो पैरामीटर पी है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया. हैंस थीटा कैप इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई इज सफिशियंट एस्टिमेटर ऑफ पी. तो हमने याद क्या रखना है, थीटा कैप इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई क्या बन गया, हमारा सुफिशियंट एस्टिमेटर बन गया. इसकी अनदर डेफिनेशन क्या है, जो राइटर ने लिखी है, राइटर कौन है हमारा, नियमन पियर्सन, नियमन पियर्सन लेमा जो हमने पीछे किया था. बट ये नियमन और पियर्सन दो अलग अलग राइटर हैं, ये किसकी डेफिनेशन है, ओनली नियमन की है. जो नियमन पियर्सन लेम्मा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेम्मा है, जो चैप्टर नंबर 7 है टेस्टिंग हाइपोथेसिस 2, वो हर साल पेपर में आता है, इसलिए आपने वो लेम्मा अच्छे से लर्न करना है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 7 है टेस्टिंग हाइपोथेसिस 2, उसकी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नियमन पियर्सन लेम्मा, तो आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है. नियमन और पियर्सन दो राइटर है. Now, according to Neyman, a necessary and sufficient condition for a distribution to admit sufficient estimator for a given parameter and is known a factorization theorem. इस जो Neyman है, Neyman writer है, उसने एक और theorem invent की है या रिसर्च किया है, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम. दिस थ्योरम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी थ्योरम करेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम. तो इसकी जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है वो, उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, एल ऑफ जी, एल इज इक्वल टू जी थीटा कोमा थीटा कैप मल्टीप्लाई एच ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन, वेयर एल इज इक्वल टू दी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. एल का मतलब क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. जी ऑफ थीटा कोमा थीटा कैप क्या क्या मतलब है, इज ए नॉन नेगेटिव. ये क्या है हमारा, नॉन नेगेटिव, मीन्स की इसमें टर्म क्या है, सारी पॉजिटिव है. फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा कैप और एच ऑफ एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन क्या है, इज नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन ओनली एंड डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा. मीन्स की जो ये है वो डिपेंड नहीं कर रहा थीटा पे, और ये दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है. और जो एल है वो किसको डिनोट कर रहा है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. जो नियमन राइटर है उसने एक और थ्योरम को इन्वेक्ट किया या रिसर्च की, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम. सो इसी के साथ हमारी फोर डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं, अनबाइज्ड एस्टिमेटर,
जिसमें हमने किया था बायस, पॉजिटिव, नेगेटिव एस्टिमेटर। सेकंड थी हमारी कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। थर्ड थी हमारी एफिशिएंट या एफिशिएंसी एस्टिमेटर। और लास्ट थी हमारी और कंसिस्टेंट में क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लू। ब्लू का मतलब क्या था, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर या मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। और लास्ट की थी हमने सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो इसी के साथ हमारी फोर डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।